लॉकडाउन से 30% बार और रेस्टोरेंट पर लगा ताला। लॉकडाउन के चलते रेस्टोरेंट और बार्स को भारी नुकसान हुआ है। अप्रैल से अगस्त के बीच देश भर में 30% से ज्यादा रेस्टोरेंट और बार्स हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। इस उद्योग से जुड़े संगठन नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI ने ये जानकारी दी है। ये इंडस्ट्री 4.25 करोड़ रुपए की है। देश भर में लॉकडाउन और राज्यों में टुकड़ों टुकड़ों में लॉकडाउन से ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वैसे तो बंदिशें कम हुई हैं, लेकिन कई राज्यों में कोरोना की रोकथाम के लिए अब भी इन्हें कायम रखा गया है। बीते महीने के आखिरी में डिलीवरी और सर्च कंपनी जोमैटो ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें कहा गया था कि कोविड-19 खत्म होने के बाद भी करीब 30% रेस्टोरेंट फिर से नहीं खुल सकेंगे। वही रेस्टोरेंट चेन जुबिलेंट फूड वर्क्स ने गुरुवार को अपने 105 घाटे वाले डाइन इन रेस्टोरेंट को बंद करने का ऐलान किया था। बता दें कि ये कंपनी डोमिनोज पिज्जा और डंकिन डोनट सहित 1354 स्टोर ऑपरेट करती है। पिछले महीने के ऊपरी स्तरों से सोना अब भी करीब 5000 रुपए और चांदी करीब 10000 रुपए सस्ती है। वैश्विक बाजारों में गिरावट के कारण घरेलू बाजार में भी मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतें गिरी। आज शुरुआती कारोबार में MCX पर सोना अक्टूबर वायदा 0.5% गिरकर 50803 प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी दिसंबर वायदा भी 0.6% गिरकर 67850 प्रति किलोग्राम पर आ गई। पिछले स्तर में सोने के वायदा में 0.7% की तेजी आई थी। सोमवार को चांदी वायदा में 1.6% का उछाल आया था। पिछले महीने के ऊपरी स्तरों से सोना अब भी करीब 5000 रुपए और चांदी करीब 10000 रुपए सस्ती है। विश्लेषकों का कहना है कि भारत और चीन जैसे प्रमुख बाजारों में भी उपभोक्ता मांग कमजोर है। वहीं कोटक ने कहा है कि निवेशकों को सोने में गिरावट पर खरीदारी की सलाह है। चांदी ने निवेशकों को किया मालामाल। चांदी ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। MCX पर चांदी ने जोखिम रहित 14-18% सालाना रिटर्न दिया है। यही वजह है कि चांदी में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। इसका अंदाजा आप 4 सितंबर को एक्सपायरी वाली चांदी के 800 करोड़ रुपए कीमत की डिलीवरी को शामिल कर लिया जाए तो ये आंकड़ा और बढ़ जाएगा। वर्तमान में ऑर्बिट्रॉज दिसंबर 2020 और मार्च 2021 के चांदी के अनुबंधों के बीच उपलब्ध है। सोमवार को यानी 7 सितंबर को चांदी दिसंबर वायदा का भाव 664 रुपये या 1% की तेजी के साथ 67930 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। ओके क्रेडिट भरोसा व्यापार का